सबसे बड़ा धोखा दिया जा रहा है कोरोना के आंकड़ों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो तबाही और बर्बादी नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत में की है कि नरेंद्र मोदी मूर्ख आदमी है, उसे ज्ञान नहीं था, उसने अपनी मूर्खता के कारण नरेंद्र मोदी ने हमारे देश को बर्बाद करने के लिए विदेशों से सुपारी ले रखी है। लाखों मजदूरों को भूखे प्यासे पैदल चलते हुए, उनके पैरों से खाल निकली हुई, उनके खून टपकते हुए, पश टपकते हुए और गाड़ियों से रौंदे हुए, रेल से कटे हुए, भूख से मरते हुए मजदूरों की लाशें आपने भी देखी होगी, और जो जिंदा रहे पुलिस से उनकी खाल उतरवाई गई, वो खाल भी आपने उतरती हुई देखी होगी। एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय गिरोह है जो गिरोह कोरोना की आड़ में देश और दुनिया को डरा करके अपने कुछ निजी स्वार्थों को साधना चाहता है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र रावत और अभी देव ने जो सवाल किया, लोकतंत्र टीवी के साथ बात करते हुए मैं भारत की 137 करोड़ आबादी से बात कर रहा हूँ। इस समय मैं आप सब लोगों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ में एक एक कदम पर भारत में मोदी सरकार से लेकर राज्यों की सरकारों ने कोरोना को लेकर झूठे आंकड़े पेश किए और धोखा दिया। मैं शुरुआत करना चाहता हूं, अभी आप देखते होंगे कि भारत में पूरे आंकड़े बताए जा रहे हैं कि 15,30,000 कोरोना के मामले उजागर हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में बताया जा रहा है कि 1,31,000 मामले उजागर हुए हैं और महाराष्ट्र में बताए जा रहे हैं 3,84,000 मामले उजागर हुए हैं। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, ये भी सरकार के आंकड़े और दूसरे आंकड़े भी सरकार के हैं। सीरो सर्वे के मुताबिक राजधानी दिल्ली में, अकेले राजधानी दिल्ली में 23% लोग कोरोना के संक्रमण से निजात पा करके, लगभग 46,00,000 लोग दिल्ली में ऐसे हैं जो कोरोना से निजात पा चुके हैं। कहां गए वो आंकड़े? राजधानी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को पूछना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। दिल्ली में लॉकडाउन कराया गया था तो 46,00,000 लोग कोरोना की चपेट में क्यों आए, और क्या कारण है कि जब 46,00,000 लोग कोरोना की चपेट से निकल चुके हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में 1,31,000 मामले ही उजागर हुए। देश की राजधानी दिल्ली का मुख्यमंत्री राजधानी वासियों से झूठ बोल रहा है। मुंबई का जो मामला है 3,00,000, महाराष्ट्र 3,84,000 के जो मामले बताए जा रहे हैं, 40% उजागर हुआ है सीरो सर्वे के मुताबिक, जिसके मुताबिक लगभग 77,00,000 लोग अकेले मुंबई के अंदर कोरोना की चपेट में आए हैं। तो अब आप लोग समझ लीजिएगा कि मुंबई और दिल्ली में 1,20,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं, तो भारत की आबादी कितनी है? ये जो बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं, कई लोगों ने नहीं जानकारी की होगी, तो आप सब लोग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे को पूछिए, वो बताएंगे कि सीरो सर्वे के मुताबिक पूरे मुंबई में 40% लोग कोरोना की चपेट में आए। तब मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि क्या कारण है कि देश के अंदर रेल, जहाज, बसें और तमाम उद्योग, व्यापार, रेड़ी पटरी, खोमचा और पार्क और स्कूल, डिस्पेंसरी, बारात घर सब के सब ताला बंद कर दिए गए, जबकि कोरोना का मोदी जी बोले थे, नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? पहले मोदी जी ने कहा कि कोरोना भारत में नहीं आएगा, कोरोना भारत में आया, फिर कहा कि चंद मामले आए, कुछ नहीं होगा। आप सब लोगों के सामने है कि देश भर में कोरोना फैला, और फिर कहा कि हमारे देश में आबादी कम है, कोरोना के संक्रमण में लोग कम आ रहे हैं, और अब कहा जा रहा है कि भारत के लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है इसलिए कम लोग मर रहे हैं। और मैंने बार बार कहा था कि विश्व में संक्रमण से 1,70,00,000 लोग हर साल मरते हैं, भारत और विश्व में अभी तक बमुश्किल कोरोना की चपेट में जो लोग आए उनकी संख्या 6,00,000 के करीब है। अब मैं बारी बारी से जो बात करता, हमारे देश में बोला गया कोरोना नहीं आएगा, झूठ बोला गया, कोरोना भारत में आया और लाया गया, फिर कहा गया कोरोना को टेस्ट करने के लिए हम रैपिड टेस्ट किट मंगाएंगे जो चीन से मंगवाई गई थी, यूरोप ने जो फर्जी टेस्ट किट चीन को वापस की थी वो चीन से मंगाकर भारत में टेस्ट का काम शुरू किया गया, मतलब देश में कोरोना की जांच के लिए भी टेस्ट करने के लिए जो किट मंगाई गई वो भी फर्जी।
जो हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनर लगाए गए, जो पकड़ नहीं पाए बाहर से कोरोना से संक्रमण से पीड़ित लोगों को, थर्मल स्कैनिंग में धोखा। आपने देखा होगा गुजरात के अंदर जो वेंटिलेटर लगाए गए वो भी धोखेबाज, वो भी फर्जी, वो भी नकली वेंटिलेटर, नकली रैपिड टेस्ट किट, नकली थर्मल स्कैनर, रोकने का प्रयास नकली। और अब सबसे बड़ा धोखा दिया जा रहा है कोरोना के आंकड़ों को लेकर, इनको छिपाने का जो खेल खेला जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना की चेन तोड़ने के नाम पर, कोरोना के संक्रमण को रोकने के नाम पर देश के उद्योग, व्यापार, रेल और कारोबार और किसान सबको तबाह करने और बाजार बंद करने के नाम पर, और देश में नकली रैपिड टेस्ट किट, नकली थर्मल स्कैनर मंगा करके और झूठे आंकड़े पेश करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ। और क्यों नहीं राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर झूठे आंकड़े पेश करने का मुकदमा चलना चाहिए, जबकि दिल्ली में 46 लाख लोगों को कोरोना हो चुका और कोरोना से वो ठीक हो चुके हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना की कोरोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। कोरोना से ज़्यादा हमने कहा था हमारे देश के अंदर भूख से मौत होती है, आज हमारे देश के अंदर कोरोना के कारण ऐसी दशा में भारत पहुंच चुका है कि हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी 8 करोड़ लोग जो रेड़ी पटरी खोमचा दुकानें साप्ताहिक बाजार लगाने वाले हैं वो भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं, उनके सारे कारोबार पिट चुके हैं। हमारे देश के अंदर रेलों का प्रचलन बंद करने के बाद स्थिति ऐसी हो गई रेलवे विभाग की कि उसके पास पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आखिरकार देश के लोगों को जो मूर्ख और अंधभक्त हैं उनकी बात छोड़िए, लेकिन बाकी जो लोग हैं उन्हें सवाल करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि मैं देशवासियों को 15-15 लाख रुपए दूंगा, मिला क्या आपको 15 लाख रुपए? इतना झूठ बोलने वाला शख्स, उसने कहा मैं 2-2 करोड़ को रोजगार दूंगा, क्या मिला आपको रोजगार? किसानों को लाभकारी मूल्य का वादा किया, क्या मिला लाभकारी मूल्य? लोगों के अच्छे दिन आए, कहा कोरोना नहीं आएगा कोरोना रोक पाया, कहा कोरोना नहीं फैलेगा कोरोना को रोक पाया। और अब कोरोना के कारण जो तबाही और बर्बादी नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत में की है, निश्चित तौर पर मैं आप सब लोगों से गुजारिश और आग्रह करता हूँ, एक बहुत बड़ा धोखा। और दोनों सर्वे सरकार के हैं, दिल्ली में 1,31,000, भारत में 15,30,000 और मुंबई महाराष्ट्र में 3,84,000 के आंकड़े सरकार के हैं, भूपेंद्र रावत के नहीं है। और सीरो सर्वे के मुताबिक पूरी मुंबई की जो आबादी 1,84,00,000 है उसका 40% हिस्सा कोरोना से पीड़ित होकर ठीक हो चुका है, और दिल्ली का 2 करोड़ की आबादी में 23% हिस्सा मतलब 46 लाख लोग कोरोना से पीड़ित होकर के ठीक हो चुके हैं, ये आंकड़े भी सरकार के हैं। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि इस क्रोनोलॉजी का सवाल का जवाब राजधानी दिल्ली से लेकर केंद्र की मोदी सरकार तक आप सब भारतवासियों को मांगना पड़ेगा, कोरोना की आड़ में ये कौन सी क्रोनोलॉजी थी कि आपने हमारे देश के उद्योग चौपट कर दिए, हमारे देश के व्यापार चौपट कर दिए, हमारे देश के किसानों का जीवन दुसार कर दिया, क्योंकि सब कुछ बंद करने के बाद किसान अपनी फसलों को नहीं बेच पाए, और आपने रोज कमाओ रोज खाओ रेड़ी पटरी खोमचा वाले साप्ताहिक बाजार और मजदूरी करने वाले करोड़ों मजदूरों का जीवन तबाह कर दिया है, और आज भारत त्राहिमाम कर रहा है। अब ऐसी दशा में भारत पहुंच चुका है, अगर आज उद्योग शुरू भी कर दिया जाए, व्यापार शुरू हो भी जाए, तो भारत के लोगों के पास खरीदने की क्षमता नहीं रही, पैसे लोगों की जेब में नहीं है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर 3 बड़े कारण हो सकते हैं। एक है कि नरेंद्र मोदी मूर्ख आदमी है, उसे ज्ञान नहीं था, उसने अपनी मूर्खता के कारण कोरोना के नाम पर, कोरोना से देश को बचाने के नाम पर रेल बंद करके, जहाज की या और बसों का, फैक्ट्री उद्योग और व्यापार सब बंद करके जो प्रयास किया उसकी पोल खोल आपके सामने। सीरो सर्वे के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 46 लाख कोरोना के पीड़ितों का और मुंबई के अंदर
77 लाख लोगों का कोरोना पीड़ित होना। और मैंने एक बात बहुत पहले भी कही थी, आपने सुना होगा, भारत में जहां सर्वे नहीं होता है, जहां जांच नहीं होती है, कोरोना सिर्फ वही नहीं है। जिस दिन भारत में शराब के दुकान के ठेके लॉकडाउन के बाद पहली बार मई में खोले गए, 4 मई को, उस दिन जो सभी पूरे देश भर में लाखों की जो भीड़ दारू के ठेकों पर उमड़ी थी, उसी दिन हमने कह दिया था कि कोरोना घर घर पहुंच चुका है। हमारे देश को तबाह करने के लिए नरेंद्र मोदी ने यह तो कहा कि कोरोना की दवाई नहीं बनी है, लेकिन यह नहीं कहा कि कोरोना से कोई मरता नहीं है। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, जो वैक्सीन का मामला भी है, टीका बनने का मामला है, 8 किस्म का स्वरूप प्रमाणिक तौर पर कोरोना का उजागर हो चुका है, और उस 8 किस्म के कोरोना के को से लोगों को बचाने के लिए 8 किस्म की वैक्सीन बनने, टीका बनना बहुत जरूरी है। और मुझे नहीं लगता है कि अगले 20 सालों में भी ये टीका बन पाएगा। इसलिए मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। एक, कोरोना से 80% लोग, जो मैं पहले बोलता रहा हूं, आज तो सरकार की सीरो रिपोर्ट भी कहने लग गई है कि उनको पता नहीं लगता है, कोरोना काल में हमको जीना और रहना पड़ेगा। और एक आखिरी बात, सरकार ने कहा सबको मास्क लगाना बहुत जरूरी है, और N95 मास्क का पूरे देश के अंदर उसका वितरण किया जा रहा था, और अब सरकार कह रही है कि N95 से भी कोरोना नहीं रुक सकता है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, लॉकडाउन से कोरोना नहीं रुका, मास्क पहनने से कोरोना नहीं रुका, सरकार ने पुलिस से लाठियों से, मैं 3-4 बातें बताता हूं आपको। आपने देखा जब लॉकडाउन हुआ तो भूखे प्यासे मजदूर सड़कों पर चले, करोड़ों मजदूरों के पैरों की खाल निकल गई, खून टपक रहा था, पस टपक रहा था, उसके लिए 307 का मुकदमा मोदी सरकार पर क्यों नहीं बनना चाहिए? जो मजदूरों की सड़कों पर मौत हुई, जो गाड़ियों से कुचल करके मरे हैं, और जो रेल से कटके मरे हैं, उसके लिए मोदी सरकार पर 302 हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? जिन करोड़ों लोगों की रोजी रोटी मोदी सरकार ने छीनी है, उन सब की रोजी रोटी छीनने का मुकदमा नरेंद्र मोदी की सरकार पर क्यों दर्ज नहीं होना चाहिए? मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, आप सब लोगों से आग्रह करता हूं कि इस कोरोना की क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। या तो नरेंद्र मोदी मूर्ख और नादान है, नालायक है, और या नरेंद्र मोदी ने हमारे देश को बर्बाद करने के लिए विदेशों से सुपारी ले रखी है, इसलिए उसने हमारे देश को कोरोना की आड़ में बर्बाद करा डाला और हमारे देश के करोड़ों मजदूरों की रोजी रोटी छीन ली और फैक्ट्री और व्यापार तबाह करा दिया। दोस्तों, दिल्ली और मुंबई में हुए सीरो सर्वे के मुताबिक 40% लोग मुंबई में और 23% लोग दिल्ली में, करीब अगर आप समझ लो 1,20,00,000 लोग दो बड़े शहरों में कोरोना से संक्रमित होकर निजात पा चुके लोग हैं। मैं आपके माध्यम से और आप अपने देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों से आग्रह करें कि पूरे देश का सीरो सर्वे कराया जाए। मैं ये मानता हूं कि भारत में 35 करोड़ लोग कोरोना की चपेट में आकर ठीक भी हो चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं लगा कि कोरोना कब हुआ। इसका मतलब है कि 35 करोड़ लोगों का मतलब हमारे देश में जो परिवारों की संख्या है वो बमुश्किल 25-26 करोड़ है, और 35 करोड़ लोग अगर चपेटे में आए हैं तो शायद ही कोई ऐसा घर है सीरो सर्वे के तहत, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस घर में कोरोना नहीं फैला होगा। फिर ये सवाल भी आपको करना चाहिए कि जब जिंदा आदमी कोरोना लेके 35 करोड़ लोग देश में घूमते रहे, वो नहीं मरे, तो जो कोई हॉस्पिटल में पहुंच रहा है और जो सच में जिसकी जान जा रही है, तो उसके बाद उसका पुड़िया बनाकर, बंडल बना करके उसको कब्रिस्तान और शमशान में ठिकाने लगाने का, अपमानित करने का जो षड्यंत्र है, सरकारें यह षड्यंत्र बंद करे और अपमानित करना बंद करे। कोरोना जिंदे लोगों से फैलता है, मुर्दा ना सांस लेता है, ना छींक सकता है, ना खांस सकता है। तो ऐसी दशा में मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, ये एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है, जो गिरोह कोरोना की आड़ में देश और दुनिया को डरा करके अपने कुछ निजी स्वार्थों को साधना चाहता है। हमने तो यहां तक सुना है कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में वैक्सीन माफिया की मिलीभगत का एक बड़ा षड्यंत्र का ये खेल है। बीजेपी के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि आज भी कह रहे हैं कि गाय गोमूत्र से कोरोना ठीक हो रहा है, अब उस पर भी दलीलें कुछ दी नहीं, वो मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं तो उस पर आ ही रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले इन्होंने कहा गौमूत्र, और गौमूत्र से लेकर के फिर कहा वो क्रोलिन जो बाबा रामदेव की थी, और फिर आप कह रहे हैं भाभी पापड़ से लेकर के, और कह रहे हैं कि आप वो करिए हनुमान चालीसा का पाठ, और अभी मोहन भागवत तो नहीं बात कर रहा है, पहले थाली बजवाई, घंटी घड़ियाल बजवाए, उसके बाद टॉर्च जलवाई, मोमबत्ती जलवाई, अब वो कह रहा है 5 तारीख को
आपको वो जलाना चाहिए, क्या कहते हैं, दीपक जलाना चाहिए। तो ये जो स्थिति है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस वैज्ञानिक युग में कोरोना जो नुकसान पहुंचा रहा है, कोरोना सबको नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो लोग पहले से ही बीमार हैं, जो लोग पहले से ही मरणासन्न हैं, मैं निरंतर बोलता रहा हूं, हमारे देश के अंदर मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कहा कोरोना से लोग नहीं मरेंगे, हमारे देश में बेरोजगारी और भूख से ज्यादा लोग मरेंगे, ये बात मैं दावे से कहता रहा हूं। और नरेंद्र मोदी से मैं बार बार मांग करता रहा कि मोदी तुमने ये तो कहा कि दवाई नहीं बनी, पर मूर्ख ये भी बोल दो कि इस कोरोना से लोग मरते नहीं है। अच्छा, मैं देशवासियों से एक आग्रह करता हूं, आप सब लोगों से, आप सब लोग जब देखेंगे लोकतंत्र टीवी में, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, ये मेरा पेज है वॉइस ऑफ इंडियन पीपल्स, उसमें आप कमेंट्स लिख करके मुझे दें, क्या सड़कों पर कहीं आपको कोरोना पीड़ित कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो सांस लेने में तड़प तड़प करके मर गया हो, ये जरूर मुझे बताना, क्योंकि सारी सरकारें कह रही हैं कि लोग मर सकते थे। मैंने आज तक मैंने भारत भ्रमण किया, मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा। तो अब ये बड़ा सवाल है कि जब देश में कोरोना पीड़ित बिना सांस लेने की दिक्कत में कहीं सड़कों पर मरे हो या मर रहे हो, तड़पते हुए आपको नजर आए हो, तो आप हमको जरूर बताना, लेकिन हमने लाखों मजदूरों को भूखे प्यासे पैदल चलते हुए, उनके पैरों से खाल निकली हुई, उनके खून टपकते हुए, पस टपकते हुए, और गाड़ियों से रौंदे हुए, रेल से कटे हुए, भूख से मरते हुए मजदूरों की लाशें आपने भी देखी, और जो जिंदा रहे पुलिस से उनकी खाल उतरवाई गई, वो खाल भी आपने उतरती हुई देखी होगी। धन्यवाद।